प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये मैं राग विलास खानी तोड़ी में ध्रुपद गा रहा था, जो कि मैंने प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल सर से अपने कॉलेज के दौरान सीखा था। राग विलास खानी तोड़ी दोस्तों, गायन सम्राट तानसेन जी के सबसे छोटे पुत्र थे विलास खान, जो कि अपने पिता के निधन पे बहुत दुखी हुए थे और ऐसा माना जाता है कि वो 7 दिन तक एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिए थे और उसी दौरान इस राग की उत्पत्ति हुई उनके हृदय से। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने राग हैं और कितने ताल हैं, आइए समझते हैं कि रागों की उत्पत्ति हुई कैसे, कैसे राग बने। तो दोस्तों, रागों की उत्पत्ति लोक संगीत से हुई है। जब राग नहीं बने थे तो लोगों में जो संगीत था उससे धीरे धीरे करके रागों का निर्माण हुआ। ये मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो थ्योरी मैंने पढ़ी है, कॉम्प्लिकेटेड वैसे नहीं, एक प्लेन सीधी तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि जन साधारण में जो संगीत था उसके आधार पे रागों की उत्पत्ति हुई। अब पहले भी बहुत सारे राग थे, लेकिन कई ऐसे राग हैं जो समय के चक्र में खो गए और कई ऐसे राग हैं जो आज प्रचलन में हैं
जिन रागों का प्रचार प्रसार हुआ वो तो आज हम सभी जानते हैं, लेकिन जिन रागों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ वो तो खत्म हो गए। अभी भी बहुत विद्वान हैं जो रागों का निर्माण करते हैं। आज भी कुछ विद्वानों को हम जानते हैं, जैसे पंडित रविशंकर, उनके कुछ राग हैं, राग परमेश्वरी एटसेट्रा। लेकिन कई ऐसे विद्वान भी होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं, उन्होंने भी रागों का निर्माण किया होगा। तो दोस्तों, राग हजारों हैं, पर रागों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। राग पहले भी बहुत थे, आज भी बहुत हैं, आगे भी बहुत होंगे। हमारे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं। अब जो राग बनते हैं वो इन 10 थाटों के आधार पर बनते हैं। और कर्नाटक संगीत में 72 थाट माने गए, 72 मेल, 72 थाटों के हिसाब से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में रागों का निर्माण होता है। पर कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इतने राग निश्चित हैं शास्त्रीय संगीत में। अब आते हैं दोस्तों ताल पे। कर्नाटक संगीत में तो 7 मुख्य तालें होती हैं, लेकिन उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में तालों की संख्या फिक्स नहीं है। कुछ ताल 6 मात्रा, कुछ 7, कुछ 28 मात्रा के ताल, ब्रह्म ताल 28 मात्रा, पंचम स्वाली 15 मात्रा, गजचंपा ताल भी 15 मात्रा, और शेष ताल 19 मात्रे का शायद। तो बहुत सारे ऐसे ताल भी हैं दोस्तों जो पहले समय के साथ खत्म हो गए, और जो प्रचलन में ताल बने रहे वो उनको आज हम जानते हैं। तालों का भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, जो ये प्रश्न है कि कितने राग हैं, रागों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगा। और ताल की बात हुई तो कर्नाटक संगीत में 7 मुख्य तालें मानी गई हैं, लेकिन उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि तालों की संख्या निश्चित नहीं है कि 50 ताल मुख्य है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, वैसे दोस्तों, अगर आपको रागों और तालों के बारे में और जानना है, अगर आपको जिज्ञासा है, तो आप राग विशारद, संगीत विशारद ये किताब खरीद सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सकें।